वेलकम। इंपॉर्टेंट गवर्नर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पार्ट टू में आपका स्वागत है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सर जॉन लॉरेंस से लेकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक, इनके टेन्योर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, जो याद रखने लायक इंसिडेंट्स हुए हैं, हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स आउटलाइन दिस। फर्स्ट, सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 तक, इनके टाइम पर भूटान वॉर 1864 से 65 हुई और ब्रिटिशर्स ने अनडिफेंडेड भूटान को हराया और अनेक्स कर लिया आसाम और बंगाल के द्वार्स को। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शिमला एज इंडिया समर कैपिटल 1863 में, द टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन अ न्यू चर्च एस्टेब्लिश बाय केशव चंद्र सेन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 1866, पंजाब टेनेसी एक्ट पास हुआ, नो इंटरफेरेंस की पॉलिसी इन्होंने अफगानिस्तान के साथ अपनाई, ग्रेट फमाइंस हुए उड़ीसा 1866, बुंदेलखंड एंड राजपुताना में, फॉर्म्ड फमाइन कमीशन अंडर द हेडशिप ऑफ हेनरी कैंपवेल, स्टार्टेड फर्स्ट ओशियन टेलीग्राफ बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, हिज इंस्टीट्यूशन इन पंजाब ऑफ एक्सटेंसिव इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अर्न्ड हिम द सर्विट्यूट ऑफ सेवियर ऑफ द पंजाब। इनके बाद आए अर्ल ऑफ मायो 1869 से 1872, स्टार्टेड द सेंसस, फर्स्ट सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया 1872 में हुआ, पर इसमें 20% भारत कवर नहीं हुआ था, ओपनिंग ऑफ राजकुमार कॉलेज इन राजकोट एंड मायो कॉलेज 1872 अजमेर में, फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस, स्टार्टेड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, इनेक्टेड आईपीसी अमेंडमेंट सेडिशन एक्ट 1870 टू टैकल वहाबी मूवमेंट, ही एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, केशव चंद्र सेन एस्टेब्लिशेस इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, इंडियन एविडेंस एक्ट पास हुआ, नोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री बाय विच एन इमेंस एक्सटेंशन ऑफ रोड रेलरोड्स एंड कैनाल्स आर कैरीड आउट, ही रिफ्यूज टू मेक एनी लोन्स टू एनी पब्लिक वर्क्स एक्सेप्ट दोज वुड बी प्रोडक्टिव, ऐसे कोई भी काम जो कि प्रोडक्टिव नहीं थे उनको लोन्स देने से इन्होंने मना कर दिया, और स्टेट कंट्रोल ऑफ पब्लिक वर्क्स इन्होंने ही शुरू किया, असासिनेटेड बाय पठान शेर अली अफरीदी। इनके बाद आए लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज लॉन्च किया महाराष्ट्र में 1873 में, अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, ग्रेट फॉर माइन बंगाल और उड़ीसा में इनके टाइम पर हुई 1872 में, ही एम्ड टू डिमोलिश अननेसेसरी टैक्सेस एंड एबोलिश अननेसेसरी लीगल ऑब्स्ट्रक्शंस, कुका रेबिलियन इन्हीं के टाइम पर हुआ जिसको लीड किया राम सिंह ने पंजाब में 1872 में, स्वेज कनाल इन्हीं के टाइम पर ओपन हुई 17 नवंबर 1869 को, ट्रायल ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, डिमोट मल्हार राव गायकवाड़ एंड सेंट टू मद्रास, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876 पास हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे 1876 में और उनको इतने सारे गिफ्ट्स मिले कि एक पूरा जहाज़ भर गया था, और जब वो वापस इंग्लैंड गए तो 6 महीनों तक के लिए वो जो गिफ्ट थे उनकी एग्जीबिशन की गई, और बदले में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारतीयों को ऋग्वेद की एक कॉपी गिफ्ट की जो कि मैक्स मुलर ने ट्रांसलेटेड की थी। IMD वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता ऑन 15th January 1875, आफ्टर दैट इट वॉज शिफ्टेड टू शिमला, फिर पुणे और फाइनली न्यू दिल्ली में शिफ्ट हुआ। एवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इनके टाइम पर हुआ, ही वॉज रिजाइंड ओवर अफगानिस्तान क्वेश्चन। इसके बाद आए लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक, ग्रेट फमाइन इनके टाइम पर हुआ 1876 से 1878 तक, क्रॉप फेलियर हो गया डेक्कन प्लेट्यू रीजन में जिसने साउथ इंडिया और साउथ वेस्टर्न इंडिया को अफेक्ट किया, डेक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट पास हुआ 1876 में, डिक्रीज द मिनिमम एज फॉर इंडियन सिविल सर्विस फ्रॉम 21 to 18, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 पास हुआ बाय विच क्वीन विक्टोरिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, पहला दिल्ली दरबार इन्हीं के टाइम पर हुआ 1 January 1877 को जिसमें क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दिया गया केसर ए हिंद का, फमाइन कमीशन अंडर रिचर्ड स्टार्ची वॉज अपॉइंटेड बाय हिम इन 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इन्हीं के टाइम पर पास हुआ टू कर्ब नेशनलिस्ट न्यूज़, गवर्नमेंट कैन सीज प्रॉपर्टी इफ एनीथिंग ऑब्सीन प्रिंटेड, आर्म्स एक्ट 1878 इन्हीं के टाइम पर पास हुआ, पास इन्होंने किया इंडियन ऑर्डिनेंस एक्ट 1878 में जिसके अंतर्गत लाइसेंस रखना कंपलसरी हो गया हथियार रखने के लिए, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 80 तक इनके टाइम पर हुई, इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 पास हुआ, फॉर्म्ड मुस्लिम एंग्लो यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़ जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। इनके बाद आए मार्क्वेस ऑफ रिपन 1880 से 1884 तक, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में पास हुआ, ये टी कॉफ़ी नील के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसमें मेंशन था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में नहीं एम्प्लॉय किए जाएंगे और 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको 9 आवर से ज़्यादा वर्क नहीं कराया जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पास हुआ, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ऑन एडवाइस ऑफ PM ग्लैडस्टोन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 पास हुआ, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882, फाउंडेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन अंडर सर विलियम हंटर, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस लॉर्ड रिपन ने ही कराया, कंट्रोल्ड सेंसस 1881 में हुआ, ही मेड इट इनटू एवरी 10 ईयर्स, दिस सेंसस नॉट इंक्लूडेड हैदराबाद एंड राजपुताना, इल्बर्ट बिल 1883 में पास हुआ, फ्रॉम नाउ ऑन ब्रिटिश एंड यूरोपियन सब्जेक्ट्स वुड बी ट्राइड इन सेशन कोर्ट्स बाय इंडियन जजेस वो वर सीनियर इनफ इन द सिविल सर्विस टू प्रिसाइड ओवर सच प्रोसीडिंग्स, फ्लोरेंस नाइटिंगल ने रिपन को लिबरेटर ऑफ इंडिया का टाइटल दिया। अर्ल ऑफ डफरिन इनके बाद आए 1884 से 1888 तक, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को इनके
समय में हुई बाय एओ यूम इन बॉम्बे। आईएनसी वाज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाय डफरेन। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर 1885 में हुआ। बर्मा एडेड टू ब्रिटिश एम्पायर। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में पास हुआ और अवध और पंजाब में भी टेनेसी एक्ट्स पास हुए। पंजदेह इंसिडेंट इनके टाइम पर हुआ, ओकर्ड इन 1885 एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ रशिया टुवर्ड्स अफगानिस्तान। रशियंस ऑक्यूपाइड मर्व ओएसिस इन 1884 एंड फर्दर क्लेम्ड पंजदेह। वॉर वॉज अवर्टेड बाई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बाय लॉर्ड डफरिन हु मैनेज्ड टू सिक्योर अ सेटलमेंट। लॉर्ड डफरिन ने रिजाइन किया 1888 में। इनके बाद आए मार्क्वेस ऑफ लेंसडोन, ये 1888 से 1894 तक रहे। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया इन विच द मैरिज ऑफ बिलो 12 ईयर गर्ल इज़ प्रोहिबिटेड। फैक्ट्री एक्ट 1891 आया जिसमें लेडीज़ वर्क आवर लेस देन 11 आवर, वन डे हॉलीडे पर वीक ये मैंशन किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास हुआ। एक्ट एक्सपेंडेड द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। इन 1893 ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लॉर्ड लेंसडोन अब्दुल रहमान एक्सेप्टेड टू लेट अ मिशन हेडेड बाई ब्रिटिश इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी सर मोर्टिमर ड्यूरेंट डिमार्केट द टेरिटरीज बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया एज जॉइंट अफगान फ्रंटियर कमीशन। और इसी कमीशन से निकलकर आई ड्यूरांट लाइन जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करती थी। इन 1893 आर रॉयल कमीशन वॉज इशूड टू इंक्वायर इन टू द रिजल्ट ऑफ यूजिंग ओपियम इन इंडिया एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोहिबिटिंग इट। दिस कमीशन एग्जामाइंड मैनी विटनेसेस एंड फाइनली रिपोर्टेड इन 1895 फेवरिंग यूज ऑफ ओपियम। इनकम टैक्स वॉज इम्पोज अगेन इन 1886। इनके बाद है अर्ल ऑफ एल्गिन टू 1894 से 1899 तक। इंडियन फमाइन हुआ उस वक्त 1896 से 97 यूपी बिहार पंजाब सेंट्रल प्रोविंस। आईएल कमीशन इन्होंने बनाया फमाइन के लिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद एट बेलूर मठ इन 1897। संथाल अपराइजिंग 1899 में हुई। मुंडा अपराइजिंग्स 1899 में इन्हीं के टाइम पर हुई। प्लेग की बीमारी बॉम्बे में 1896 में बहुत ज़्यादा फैली और इन्होंने प्लेग कमिश्नर के तौर पर रैंड को नियुक्त किया जिसको असासिनेट कर दिया था पुणे में चापेकर ब्रदर्स ने 1897 में। ड्यूरिंग हिज रिजीम द बाउंड्रीज ऑफ चाइना एंड सियाम वॉज डिमार्केटेड। एंग्लो रशियन कन्वेंशन वॉज साइंड 1895 में। डायमंड जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज सेलिब्रेटेड 1897 में। टू कर्ब द प्रेस इट अमेंडेड सेक्शन 124A एंड सेक्शन 153A इन IPC विच मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस फॉर एनीवन टू कंटेम्प्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू क्रिएट हेट्रेड अमंग डिफरेंट क्लासेस दैट इज इंग्लिश एंड इंडियंस इन इंडिया। इनके बाद आए लॉर्ड कर्जन ऑफ किटलस्टन 1899 से 1905 तक। इनके टाइम पर इंडियन फेमाइन हुई 1899 से 1900 तक। फेमाइन कमीशन अंडर मैकडोनेल। इनके टाइम पर ओपन हुआ कृषि बैंक और इन्होंने नियुक्ति की कृषि इंस्पेक्टर जनरल की 1901 में। अपॉइंटमेंट ऑफ रेलेग यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में। सेकेंड दिल्ली दरबार इनके टाइम पर हुआ 1903 में। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 1903 में एस्टेब्लिश हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 में आया टू कर्ब फ्री प्रेस। पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल एस्टेब्लिश किया गया बाय द एफर्ट्स ऑफ एनी बेसेंट इन 1904। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर। न्यू डिपार्टमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड। सेकेंड स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1911 तक इनके टाइम पर चला अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लाल बाल पाल और बिंदु घोष। पार्टीशन ऑफ बंगाल 19 जुलाई 1905 को इन्होंने ऑर्डर दिए। 16 अक्टूबर 1905 को डिवीज़न जो है वो एप्लीकेबल हुआ। इस डिवीज़न के बाद ईस्ट बंगाल और आसाम जो रीजन था उसके गवर्नर बने एंड्रयू फ्रेजर और वेस्ट बंगाल के लॉर्ड कर्जन। सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट एट प्रोविंस एंड सेंटर। हेरिटेज बिल्डिंग एक्ट 1904 में आया। विक्टोरिया मेमोरियल क्रिएट कराया इन्होंने कलकत्ता में। लॉर्ड कर्जन ने कुछ कमीशंस बनाई थी उनको देखते हैं। 1901 में कोलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के अंडर में इरिगेशन कमीशन। 1902 में थॉमस रॉबर्टसन के अंडर में रेलवे कमीशन। 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के अंडर में पुलिस कमीशन। 1902 में थॉमस रेले के अंडर में यूनिवर्सिटी कमीशन। लॉर्ड कर्जन ने डिसॉल्व किया लोकल सेल्फ गवर्नेंस, मेड कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899। इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 लॉर्ड कर्जन लाए। वॉज पास्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। इट एस्टेब्लिश द रुपी रेशो एंड द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। लॉर्ड कर्जन के बाद आए अर्ल ऑफ मिंटो टू 1905 से 1910 तक। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान 1906 में। आगा खान सलीम उल्ला खान फॉर्म्ड मुस्लिम लीग इन ढाका। जमशेद जी टाटा ने एस्टेब्लिश किया टिस्को को 1907 में। इनके टाइम पर कुछ एक्ट्स पास हुए। प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट इट वॉज पास्ड इन 1907। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 में पास हुआ। द न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1908 में पास हुआ। सर कर्जन वाइली वॉज शॉट डेड बाय मदन लाल ढींगरा इन ऑर्डर टू गिव द ब्रिटिश अ क्लियर मैसेज टू फ्री इंडिया। स्प्लिट इन कांग्रेस 1907 इनके टाइम पर हुई। सूरत सेशन में दो डिवीज़न में कांग्रेस हो गई, एक्सट्रीमिस्ट एंड
मॉडरेट्स। मॉडलिम इंटो रिफॉर्म्स 1909 में इनके टाइम पर आए, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। सेपरेट इलेक्टोरल एरिया फॉर मुस्लिम्स इसमें मेंशन किया गया। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 आया इनके टाइम पर। वॉज लेजिस्लेशन प्रोमोलगेटेड इन ब्रिटिश इंडिया इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन ऑल काइंड ऑफ पब्लिकेशन। द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल इम्पोज बाय द प्रेस एक्ट वर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज दैट वर वल्नरेबल टू कन्फिस्केशन इन द इवेंट ऑफ एनी ब्रीच ऑफ द एक्सेप्शनली वाइड प्रोविजन ऑफ द लेजिस्लेशन। प्रोप्राइटर्स बींग ऑब्लीज to deposit 500 to 5000 rupees as the magistrates saw fit. Customs and postal officers were given authority to detain and examine the suspected matter. ये था Indian Press Act 1910। इनके बाद आए Lord Harding of Penshurst 1910 से 1916 तक। इनके टाइम पर थर्ड दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम यानी 5 भारत आए। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल हुआ कलकत्ता से दिल्ली 1911 में। अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल टू फॉर्म बिहार प्रोविंस 1912 में। मैकमोहन बॉर्डर लाइन वॉज क्रिएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1914। गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। गदर म्यूटिनी 1915 में हुई, कोमा गाटामारू इंसिडेंट भी हुआ। फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी वॉज सोहन सिंह भाकना एंड लाला हरदयाल वॉज द को फाउंडर ऑफ दिस पार्टी। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग बाय तिलक इनके टाइम पर हुआ। फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1915 BHU एक्ट पास होकर हुआ, मदन मोहन मालवीय ने ये कराया। फाउंडेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एट बर्लिन 1914 में। बिगिन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 जून 1914 में। ऑन 28 जून 1914 वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड एंड इंडिया नेचुरली बिकेम अ belligerent in the war. The British government sought support of the Indians and most sections of the Indian society were with the empire. The moderates supported the war because who knows their demands of self-government may be fulfilled after the war. तो इसमें भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके बाद आए लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन होम रूल मूवमेंट 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में पास हुआ। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस में दो सेक्शन हो गए थे वो अगेन मर्ज हो गए। कांग्रेस ने पैक्ट साइन किया मुस्लिम लीग के साथ। सेटलर कमीशन ऑन एजुकेशन रिफॉर्म्स पास हुआ 1917 में। चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वॉज महात्मा गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह। पीजेंट्स ऑफ द चंपारण एंड अदर एरियाज ऑफ नॉर्थ बिहार वर ग्रोइंग द इंडिगो अंडर द तिनकटिया सिस्टम। अंडर द तिनकटिया सिस्टम द पीजेंट्स वर बाउंड टू प्लांट 3 out of 20 पार्ट्स ऑफ हिज लैंड विद इंडिगो फॉर हिज लैंडलॉर्ड। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी इंक्रीज द टैक्सेस इन 1917-18 by 23%. In 1918, Gujarat as a whole suffered a severe epidemic of plague and in Kheda alone, around 17,000 people lost their lives. But ऐसे समय में भी अंग्रेज़ों ने 23% टैक्सेस को राइज किया, जिसके खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह वहाँ के लोगों ने किया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्लेग बोनस ऑफ 1917, द मिल ओनर्स वॉन्टेड टू विदड्रॉ द बोनस होल। द वर्कर्स डिमांडेड अ 50% वेज हाइक। द मिल ओनर्स वर विलिंग टू गिव ओनली 20% वेज हाइक, जिसके खिलाफ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुए 1918 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू फर्दर एक्सपेंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स और सिंपली मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। रोलेट एक्ट 1919 में आया। जस्टिस रोलेट एन इंग्लिश जज एज इट्स प्रेसिडेंट। द आइडिया वॉज टू इवेल्युएट द पोलिटिकल टेररिज्म इन इंडिया, स्पेशली इन पंजाब एंड बंगाल। इसी का आगे चलकर एक्सटेंशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुआ 13 अप्रैल 1919 में। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट 1919 से 20 वॉज एसेंशियली अ मूवमेंट टू एक्सप्रेस मुस्लिम सपोर्ट फॉर द खलीफ ऑफ टर्की अगेंस्ट द अलाइड पावर्स पर्टिकुलरली ब्रिटेन। 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अनाउंस्ड फॉर्मली। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1921। इनके बाद आए अर्ल ऑफ रीडिंग 1921 से 26 तक। मालाबार रिबेलियन इनके टाइम पर हुआ, जिसको हम मोपला रिबेलियन के नाम से भी जानते हैं, जो कि फर्स्ट एथनिक रिबेलियन के नाम से जाना जाता है, 1921 में हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 से 22। रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921। ली कमीशन फॉर पब्लिक सर्विसेज टू कंसीडर द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द सुपीरियर इंडियन पब्लिक सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस्लिंगटन कमीशन्स रिपोर्ट 1917 हैड रिकमेंडेड दैट 25% ऑफ हायर गवर्नमेंट पोस्ट शुड गो टू इंडियंस। रिपोर्ट हैड बिकम अ डेड लेटर इन 1918। मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट प्रपोज्ड इंडियन अपॉइंटमेंट्स टू 1/3 ऑफ द पोस्ट। ली कमीशन में बोला गया था कि 25% पोस्ट जो हैं हायर गवर्नमेंट पोस्ट वो इंडियंस को जानी चाहिए, जो कि बाद में मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स में बोला गया कि 1/3 जानी चाहिए। इसके बाद 1921 में एम एन रॉय फाउंड इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में। गांधी जी ने
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया। 1922 में ICS एग्जाम इन इंडिया साइमल्टेनियस एग्जामिनेशंस वर इंस्टीट्यूटेड इन लंदन एंड न्यू दिल्ली इन 1922। 1923 में मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास फॉर्म्ड स्वराज पार्टी वन मेजोरिटी इन सेंट्रल प्रोविंस इन बंगाल। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में। October 31, 1920 द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज हेल्ड एट बॉम्बे अंडर लाला लाजपत रॉय थर्स मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA वॉज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1924 एट विलेज भोला चांग इन ईस्ट बंगाल बाय सचेंद्र नाथ सान्याल नरेंद्र मोहन सेन एंड प्रतुल गांगुली एज एन ऑफशूट ऑफ अनुशूलन समिति। काकोरी ट्रेन कंस्पिरेसी इन्होंने ही की 9 अगस्त 1925 को। पेशावर कंस्पिरेसी केस इज रिलेटेड टू द मुस्लिम्स टेकिंग इंटरेस्ट इन द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। मेनी मुस्लिम्स फ्रॉम पेशावर वेंट टू मॉस्को एंड स्टार्टेड गेटिंग ट्रेनिंग रिलेटेड टू मिलिट्री एंड कम्युनिस्ट रिजीम्स 1923। इसके बाद लॉर्ड इरविन आए 1926 से 1931 के तक। साइमन कमीशन इनके टाइम पर 1928 में आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे आया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में दी गई। डेथ ऑफ लाला लाजपत राय 1928 एज रिवेंज नेशनलिस्ट बॉम्ब्ड दिल्ली असेंबली। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना 1929 में दिए गए। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1929 में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन इंडिपेंडेंस डे एम्ड एट 26 जनवरी 1930। सॉल्ट मार्च डांडी मार्च 1930 में हुआ। 1882 सॉल्ट एक्ट प्रोहिबिटेड इंडियंस फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग सॉल्ट। वायलेशन ऑफ द एक्ट वॉज कंसिडर्ड अ क्रिमिनल ऑफेंस और इसी को तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी मार्च आयोजित किया जो कि साबरमती आश्रम से डांडी गुजरात तक हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 12 नवंबर 1930 को हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अलाहाबाद एड्रेस 1930 वॉज अ स्पीच बाय स्कॉलर सर मोहम्मद इकबाल वन ऑफ द बेस्ट नोन इन पाकिस्तानी हिस्ट्री। इट वॉज डिलीवर्ड बाय इकबाल ड्यूरिंग 25th एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन द आफ्टरनून ऑफ मंडे 29 दिसंबर 1930 अलाहाबाद में। इकबाल आउटलाइंड अ विजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स मेजोरिटी प्रोविंसेस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और यहाँ पर टू नेशन की थ्योरी का पहली बार जिक्र किया गया बाय इकबाल। चिट्टागोंग आर्मरी रेड 1930 में हुई। एन अटैम्प्ट ऑन 18 अप्रैल 1930 टू रेड द आर्मरी ऑफ पुलिस एंड ऑक्सिलरी फोर्सेज फ्रॉम द चिट्टागोंग आर्मरी इन द बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाउ इन बांग्लादेश बाय आर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर्स लेड बाय सूर्य सेन। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ। अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइंड बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन ऑन 5 मार्च 1931 बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन गांधी और इरविन के बीच। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर 1931 में। इसके बाद अर्ल ऑफ विलिंगडन आए 1931 से 1936 तक। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनके टाइम पर हुई। INC पार्टिसिपेटेड लीडेड बाय गांधी जी। नो रिजल्ट ऑफ राउंड टेबल। गांधी जी ने रीस्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 16 अगस्त 1932 रैमसे मैकडोनल्ड गेव कम्यूनल रिवॉर्ड इन दिस दलित्स वर टू मेड सेपरेट फ्रॉम हिंदू एंड गिव सेपरेट लीडरशिप सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज। गांधी जी डिसहार्टन्ड हुए टू रिमूव दिस। आमरण अनशन उन्होंने किया यरवाड़ा जेल में जिसके रिजल्ट के तौर पर पूना एक्ट हुआ। पूना पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर इन 1932। वाइल कम्युनल अवार्ड प्रोमिस्ड 71 सीट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस द पूना पैक्ट आस्क्ड फॉर एलोकेशन ऑफ 148 सीट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस। सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स अलॉटेड टू द जनरल नॉन मुस्लिम इलेक्टोरेट वुड बी रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। कांग्रेस एग्रीड दैट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वुड बी गिवन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द सिविल सर्विसेज। द डिप्रेस्ड क्लासेस एग्रीड टू अधेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट। 17 सितंबर से 24 दिसंबर 1932 लंदन में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। पाकिस्तान डिक्लेरेशन 1933 में इनके टाइम पर हुआ। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय पासिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया विलिंगडन के टाइम पर। वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन अगस्त 1935 विद 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्ट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिराइव्ड मटेरियल फ्रॉम 4 की सोर्सेज। रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन डिस्कशंस एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द वाइट पेपर ऑफ 1933 एंड रिपोर्ट्स ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज। दिस एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बी मेड ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन सम और ऑल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इन टू बींग एज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड डिड नॉट जॉइन। इनके बाद आए लिनलिथ गो 1936 से 1943 तक। इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 में हुए। कांग्रेस ने 11 में से 8 रीजन्स जीते। इंडियन एंट्री इनटू वर्ल्ड वॉर टू 1939 में 1 सितंबर 1939 को वॉर स्टार्ट हुई। डे ऑफ डिलीवरेंस 1939 में रेजिग्नेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द राइवल कांग्रेस पार्टी फ्रॉम प्रोविंशियल एंड सेंट्रल ऑफिसेस इन प्रोटेस्ट ओवर देयर नॉट हैविंग बीन कंसल्टेड ओवर द डिसीजन टू एंटर वर्ल्ड वॉर टू अलॉन्गसाइड ब्रिटेन। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान वॉज रिटर्न एंड प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद जफारुल्ला खान
एंड वॉज प्रेजेंटेड बाय ए के फजलुल हक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल वॉज अ फॉर्मल पॉलिटिकल स्टेटमेंट अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 3-day जर्नल सेशन इन लाहौर ऑन 22-24 March 1940. क्रिप्स मिशन 1942 में आया. क्रिप्स वॉकड आउट टू कीप इंडिया लॉयल टू ब्रिटिश वॉर एफर्ट इन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस ऑफ इलेक्शंस एंड फुल सेल्फ गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस वंस द वॉर वॉज ओवर. क्रिप्स डिस्कस द प्रपोजल्स विच ही हैड ड्राफ्टेड हिमसेल्फ विद द इंडियन लीडर्स एंड पब्लिश्ड दैम. बोथ द मेजर पार्टीज रिजेक्टेड हिज प्रपोजल्स एंड दे वर ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल टू चर्चिल जो कि समय ब्रिटिश के पीएम थे. नो मिडिल वे वॉज फाउंड एंड द मिशन वॉज फेल्ड. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लीजन 1942 में जिसे हम 950th इंडियन इन्फेंट्री रेजिमेंट भी कहते हैं. अ मिलिट्री यूनिट रेज्ड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर इनिशियली एज पार्ट ऑफ जर्मन आर्मी एंड लेटर द वेफन एसएस फ्रॉम अगस्त 1944 इंटेंडेड टू सर्व एज अ लिबरेशन फोर्स फॉर ब्रिटिश रूल्ड इंडिया. इट वॉज मेड अप ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड एक्सपेट्रिएट्स इन यूरोप. बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इट वॉज ऑल्सो नोन एज टाइगर लीजन एंड द आजाद हिंद फर्स्ट. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में. आर्मी वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1942 अंडर रास बिहारी बोस बाई इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर्ड बाई जापान इन मलायन कैंपेन एंड एट सिंगापुर. फॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल आर्मी का 1942 में. बंगाल फेमाइन 1943 में ललित गोखले के टाइम पर हुई. इसके बाद वेवेल आए 1944 से 1947. इनके टाइम पर सीआर फॉर्मूला 1944 में आया. प्रपोजल टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. द लीग्स पोजीशन वॉज दैट द मुस्लिम एंड हिंदूज ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर ऑफ टू सेपरेट नेशंस एंड हैंस द मुस्लिम हैड द राइट टू देयर ओन नेशन. द कांग्रेस विच इंक्लूडेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स वॉज अपोज टू द आइडिया ऑफ पार्टीशनिंग इंडिया. इसी को सॉल्व करने के लिए सीआर फॉर्मूला लाया गया था 1944 में. शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई. फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस अबुल कलाम आजाद गए. गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. मुस्लिम लीग डिमांडेड ऑल मुस्लिम्स इन वॉइसरॉय काउंसिल विल बी चूजन बाय देम. 14 जुलाई को 1945 में वेवेल ने अनाउंस किया कि ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई. 1945 क्लीमेंट एटले जो कि यूके के पीएम थे उस वक्त गवर्नमेंट लेबर पार्टी के कॉल फॉर इलेक्शन इन इंडिया. दिसंबर 1945 में रिजल्ट्स आए. कांग्रेस गॉट प्रोविंशियल मेजॉरिटी. मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मेजॉरिटी की जो सीट्स थी वो जीती थी बंगाल और सिंध में. कैबिनेट मिशन 1946 में आया. केम टू इंडिया एमिंग टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन लीडरशिप विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग इंडियाज यूनिटी एंड ग्रांटिंग इट्स इंडिपेंडेंस. फॉर्मुलेटेड एट द इनिशिएटिव ऑफ क्लीमेंट एटले द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम द मिशन हैड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सर स्टेफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड ए वी अलेक्जेंडर द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी. लॉर्ड वेवेल द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एवरी स्टेप बट वॉज प्रेजेंट. इट प्रपोज टू डिवाइड इंटू थ्री एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स ए बी एंड सी क्लस्टर्स. डायरेक्ट एक्शन डे 16 August 1946 ऑल्सो नोन एज द 1946 कलकत्ता किलिंग्स वॉज अ डे ऑफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट बाय द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी अनाउंस्ड बाय जिन्ना. इट लेड टू लार्ज स्केल वॉयलेंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन द सिटी ऑफ कलकत्ता इन द बंगाल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन 1946. इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन 2 September 1946 फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड द टास्क ऑफ असिस्टिंग द ट्रांजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंस. इट रिमेंड इन प्लेस अंटिल 15 August 1947. रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी 1946 ऑल्सो कॉल्ड द 1946 नेवल अपराइजिंग वॉज एन इंसरेक्शन ऑफ इंडियन नेवल रेटिंग्स सोल्जर्स पुलिस पर्सनल एंड सिविलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. फ्रॉम बॉम्बे द रिवॉल्ट स्प्रेड एंड फाउंड सपोर्ट थ्रू आउट ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कराची टू कलकत्ता एंड अल्टीमेटली केम टू इन्वॉल्व ओवर 20,000 सेलर्स इन 78 ships and shore establishments. Only CPI party supported the rebellion. बाद में इसको सप्रेस करा दिया गया. इसके बाद 20 फरवरी 1947 को PM इटली ने अनाउंस किया ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस बाई June 1948. इसके बाद आए माउंट बेटन 1947 से 1948 तक पावर ट्रांसफर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. 3 जून 1947 को माउंट बेटन पॉलिसी अनाउंस हुई. दिस इंक्लूड्स डिवीज़न. 4 जुलाई 1947 को पीएम इटली प्रेजेंट इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट गॉट असेंट ऑन 18 जुलाई. द पार्टीशन कमिटी वॉज फॉर्म्ड विच वॉज चेयर्ड बाय लॉर्ड माउंट बेटन एंड इट्स मेंबर्स वर वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लियाकत अली खान एंड अब्दुल रव निस्तार. Later, this committee was replaced by a partition council. In this council, Congress was represented by Sardar Patel, Dr. Rajendra Prasad, with C. Rajagopalachari as alternate member. Muslim League was represented by Muhammad Ali Jinnah, Liaquat Ali, and Abdul Rab Nishtar as alternate member. Indian Independence Act 1947 aya, Act of Parliament of the United Kingdom that partitioned British India into two new independent dominions of India and Pakistan. The Act received royal assent on 18 July 1947 and thus India and Pakistan, comprising West modern day Pakistan and East modern day Bangladesh regions, came into being on 14 August. Aftermath.
इसका ये हुआ, जिन्ना लेफ्ट फॉर कराची ऑन अगस्त 7, 1947, हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान मेट ऑन अगस्त 11, 1947 एंड इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट। थ्री डेज लेटर ही वॉज स्वॉर्न इन एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑन द मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त एंड 15 अगस्त 1947 इंडियन पाकिस्तान कीम इन टू एक्जिस्टेंस। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देन अपॉइंटेड लॉर्ड माउंटबेटन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन डोमिनियन। इन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 15, 1947 अ न्यू कैबिनेट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू वॉज स्वॉर्न इन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन। इसके बाद 1948 से 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इंडिया के गवर्नर जनरल रहे। इन जून 1948 राजगोपालाचारी टुक ओवर एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट सर्विंग अंटिल जनवरी 1950। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वॉज परमानेंटली एबोलिस्ड इन 1950। फ्रॉम 1952 टू 1954 ही वॉज अगेन सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास। ही रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड इन 1954 फॉर मेरिटोरियस सर्विस टू इंडिया। तो ये था ब्रिटिश इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर्स के ऊपर वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखने के लिए थैंक यू।